अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त, यूनिक, नई किस्म की वन बाइट वेजिटेबल वॉन्टन्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही यम्मी और टेम्पटिंग बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन लेकर उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही मैं क्रश्ड 1/4 कप कैरेट डालकर इसको सौते कर लूँगी। अब इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप बंद गोभी और इसी तरह से साथ ही मैं इसके शिमला मिर्च डालकर इन वेजिटेबल्स को सौते कर लूंगी। आप कोई से भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। साथ इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून साल्ट डालकर इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊंगी। सब्जियाँ अच्छे से सौते हो गई हैं और अब मैं इनको एक बाउल में निकाल कर ठंडा कर लूंगी। सब्जियां ठंडी हो गई हैं और अब मैं इसके अंदर 1/4 कप क्रीम चीज़ डालूंगी। अगर आपके पास क्रीम चीज़ नहीं है तो आप इसमें मेयोनीज भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम चीज़ डालकर मैं सब वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब एक स्क्वायर शीट लेकर उसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैं स्टफिंग भरूंगी। एक एग को फेंट कर मैंने पास रख लिया है और इसके चारों साइडों पर एग का कोट करूंगी और वॉन्टन्स को तैयार करूंगी। देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट वेजिटेबल वॉन्टन बनकर तैयार है और इसी तरह से मैं सारे वॉन्टन तैयार करके रख लूँगी। परफेक्ट वॉन्टन बनकर तैयार हैं और अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए एक पैन लेकर, उसमें मैंने यहाँ ऑयल डाला है। ऑयल डालकर हीट अप करने के बाद उसके अंदर मैं सारे वॉन्टन डाल दूँगी और इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ऑयल हीट अप करने के बाद इसकी जो फ्लेम है उसको हम बिल्कुल लो कर देंगे ताकि हमारे वॉन्टन्स जले नहीं, अच्छे से परफेक्टली अंदर तक तैयार हो जाएं। अब मैं इनको एक छलनी में निकाल कर रखूंगी ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। लीजिए 1 बाइट वेजिटेबल वॉन्टन्स बनकर तैयार हैं। आप इनको चटनी विद कोल्ड ड्रिंक सर्व करें, जिससे देखने में यम्मी लग रहे हैं, वैसे खाने में भी बहुत टेम्पटिंग हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की नई वेजिटेबल वॉन्टन्स की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करके फीडबैक ज़रूर दें। लास्ट में मैं आपको एक वॉन्टन तोड़कर बताती हूँ कि अंदर से कितना ही यम्मी और बाहर से कितना ही क्रिस्पी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।